चाहेंगी किस तरह का गाना है दिल की बात? दिल की बात जो है वो थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी में है और अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी उसके बारे में। तो किस तरह का गाना है, लेकिन अगर लोगों के लिए आ रहा है तो कब तक रिलीज होगा, किस तरह का गाना है ये? ट्रू लव स्टोरी पे है कि लास्ट में आके ट्रू लव होता है तो किसी ना किसी को मिल ही जाता है। देख जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके सामने ये प्रोजेक्ट था, कितने एक्साइटेड हैं आप अब ये लॉन्च होने जा रहा है? जो एक्साइटिंग नया काम होता है तो अच्छा तो लगता ही है, और सबसे अच्छा ये है कि ये टेंडर स्टोरी है, इसमें जो सच्चा प्यार जो करता है उसको मिलता है, ये दिखाया गया है इसमें। और ये जो रांची में शूट हुआ था बहुत अच्छा मजा आया। तो आपने कहा कि रांची में शूट हुआ है, तो किस तरह की लोकेशंस, क्या इसमें लोकेशंस भी पब्लिक को अच्छा मिल पाएगा देखने के लिए, क्योंकि आज के जितने भी गाने आ रहे हैं उसमें गाने में जो पीछे का लोकेशन देख पाते हैं वो भी काफी आकर्षित होता है? नहीं, इसमें लोकेशन नहीं है, इसमें एक्चुअली ये ट्रू स्टोरी है, ये किसी का एक्सीडेंट हो जाता है फिर उस पर फिल्म आ गया, ये सब वो चीज है। क्या लगता है लोगों को कितना पसंद आएगा? हाँ, बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही टचिंग है, तो अच्छा है। अगर शूटिंग के दौरान की बात करें, कितनी यादें हैं जो आपके साथ जुड़ी है, अगर आप शेयर करना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रांची में फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, हम सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वहाँ के लोकेशन से लेके एक्चुअली देव गौर के साथ भी मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है, तो बहुत सारी यादें हैं एक्चुअली। न्यू टीम, न्यू डायरेक्टर, न्यू एक्टर, तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मतलब रांची से इतना ज़्यादा कुछ मतलब अटेंड नहीं किया था मैंने पहले, अभी फर्स्ट टाइम किया है, तो आगे का भी हम प्लान कर रहे हैं कि वहीं पे शूट करें हम। तो इतना क्या खास लग गया कि नेक्स्ट शूट फिर आप वहीं करना चाह रहे हो? वहाँ से ना हमें सपोर्ट प्यार बहुत मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे रांची को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफी अच्छा लगा, तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान सेट के? मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग बहुत भोले हैं, बहुत हेल्पफुल इंसान है वहाँ पर, और जो बस थोड़ा टफ हमारे लिए वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, जो समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंजॉय बहुत किया हमने इस गाने के साथ साथ, और टीम हमें अच्छी मिली है, तो हमें अच्छा लगा कि हम दूसरा गाना भी उनके साथ करना चाहें। पूरे हॉल टीम की बात करें, टीम में किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा? पूरी टीम में डायरेक्टर अविनाश पासवान जी हैं और उनके एडिटर हैं रमेश, तो इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। तो डांट भी पड़ी शूटिंग के दौरान? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत टफ है तो समझना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है आपको कितनी डांट पड़ी है सेट के दौरान, और क्या लगता है कितनी गुड टाइम आपने स्पेंड किया, और कितना बैड भी था कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शूटिंग के दौरान? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, गुड एक्सपीरियंस ही हुआ है। टीम की बात करें, टीम के साथ कितना आपका अच्छा रहा, टीम आपकी टीम में कौन कौन था वहाँ पे? टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, 7-8-9 है, बट दो लड़की हैं, डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट, बाकी सब मेल्स हैं, बट अच्छे सपोर्टेड है सब। डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कैसा? डायरेक्ट प्रोड्यूसर का तो पता नहीं वहाँ से, मतलब प्रोड्यूसर को मैं नहीं जानती, बट डायरेक्टर को, डायरेक्टर को डायरेक्टर वो सबको मैं जानती हूँ। हाँ, तो कैसा था उनका, कैसा सपोर्ट था? सपोर्ट बहुत बढ़िया था, इसलिए तो हमने डिसाइड किया है कि आगे की हम जो भी प्लानिंग करेंगे उन्हीं के साथ करेंगे। तो दिल की बात किस तरह से पब्लिक को और लोगों के लिए लेकर आ रहे हो, क्या होगा, कौन सी ऐसी बात है जो आप दिल से रखना चाह रहे हो? दिल की बात थोड़ी थोड़ी देखे जाए तो थोड़ा ट्रू स्टोरी पे है, थोड़ी थोड़ी ट्रू स्टोरी पे है, और हम रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने, यही प्यार के ऊपर ही है, जो आजकल प्यार कोई दिखता नहीं है बट एक्चुअली है रियल में, ये जो दिल से चाहते हैं वो लास्ट में मिल ही जाता है। तो देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है दिल की बात किस तरह से आप पब्लिक ऑडियंस पे रख रहे, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग है एल्बम सॉन्ग पब्लिक के बीच आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है ये सबसे डिफरेंट कुछ लेकर आ रहे हैं? एक्चुअली इसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो स्टोरी दिखाई है कि लोगों को प्यार बहुत जल्दी होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जल्दी प्यार करने से विश्वास भी टूट जाता है, तो इसमें ये है कि जो आपसे प्यार कर रहा है लेकिन अनजाने में, और आखिर में वही आपका हेल्पफुल है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही सच्चा प्यार है, तो वो सब दिखाया गया इसमें। दोनों जोड़ी को जिस तरह से दिल की बात गाना लॉन्च होने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे फ्रेंड देव जी और सिद्धि का एक एल्बम का सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, और दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और राठौर साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज उन्होंने टाइम निकाल के आके उनको बधाई के देने के लिए यहाँ पे है, मैं धन्यवाद करता हूँ, और इन फ्यूचर के लिए अच्छा उनका। तो आप किस तरह देखते हैं, आप भी एक प्रोड्यूसर हैं, तो क्या लगता है आपके भी किसी प्रोजेक्ट में हमें ये दोनों जोड़ी नजर आएगी?
ऑफकोर्स आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक मूवी के और एक वेब सीरीज भी लेके दोनों को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हमारा वर्क चल रहा है। ये सॉन्ग बहुत बेहतरीन अच्छा बना है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, यहाँ से मुंबई से झारखंड जाके वहाँ पे शूट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से। थैंक